अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का विशेष इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चे, मैं स्टडी कर रहे हैं मिशन एनएमएस एग्जाम पीएसईआर क्वेश्चन पेपर चार सब्जेक्ट का, जो जिसमें मैथ होता है, मैथ रियाजी होता है, 2019 का। प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम सवालिया पर्चे हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें ज़हनी आजमाइश के पूरे 5 साल के सवालिया पर्चे हल कर चुके हैं। आज कर 2019 का हम मैथ का सवालिया पर्चा हल करने जा रहे हैं, तो इसमें हमारा सवाल नंबर 71 देखेंगे, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट सब्जेक्ट मेरे बच्चों मैथ जो है वो क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू होता है। 71 से 90 तक के क्वेश्चन जो है ये मैथ के रहते हैं, 1 से लेके 35 तक के क्वेश्चन जो है साइंस के रहते हैं, और 36 से लेके 70 तक के क्वेश्चन जो है वो सोशल साइंस के रहते हैं, ठीक है। इस तरह 35, 35, 70 और 20 मार्क्स रियाजी की, मैथ की, ऐसे सैट पेपर जो है 90 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है 3/4, 5/8, 11/16, 17/32, 35/64। इनमें सबसे छोटी कसर कसरी आदत अदद कौन सा है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हमको यहाँ पर जो है नसब नुमा बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। नसब नुमा क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम जो है 3/4 को, ठीक है, अब इसको हमको नीचे 64 करने का, तो उसको 16 से ज़रब देना पड़ेगा, नीचे 16 से ज़रब, तो ऊपर भी 16 से ज़रब देना पड़ेगा। तो 16 3 48, ठीक है, और ये 16 4 64, ये एक नंबर। उसके बाद दो नंबर है 5/8, ठीक है। अब इसको हमको पैर बच्चों अगर 64 नीचे करना पड़ेगा, तो हमको जो है 8 से ज़रब देना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 से ज़रब देना पड़ेगा। ऊपर 8 5 40 और 8 8 64, ठीक है। उसके बाद 11/16, तो 16 4 64 ज़रब 4 करेंगे, ऊपर भी ज़रब 4 करेंगे, 44/64। चौथी कसर लेंगे 17/32, 2 से ज़रब देंगे तो ऊपर भी 2 से ज़रब देंगे, 17 34/64, और ये आखिर के जो है पांचवी कसर जो है वो 35/64 ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखेंगे तो यहाँ पर नसब नुमा जो है वो सेम हो गया है। तो हम नसब कसरों में पैर बच्चों, ऐसी कसरें जिनका नसब नुमा मसावी हो, तो ऐसी कसरों का जब शुमार कुनिंदा छोटा होगा, जिस कसर का शुमार कुनिंदा छोटा होगा वो कसर छोटी रहेगी, ठीक है। यहाँ कसर सबसे जो शुमार में छोटा किसका है, इसका है 34/64, और एक इसको से ताल्लुक है इसका 17/32 है। तो 17/32 पैर बच्चों सबसे छोटी कसर रहेंगी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, एक्स जो है ये माकूस तकरीर में 1/y की है, ठीक है। जब x बराबर 72, y बराबर 8 हो और x बराबर 48 होने पर y कितना रहेगा, ठीक है। तो y हमको मालूम करना है, y क्या करना है हमको मालूम करना है। फिर जो x जो है ये बिल मुकाबिल जो 1/y के है, तो इसको हम जो है x ज़र्ब y बराबर k, मतलब कांस्टेंट, k यानी कांस्टेंट। अब इसको पहले जो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर 72 दिया हुआ है, y बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर पैर बच्चों हम जो ये जो वैल्यू है इसको हम मसावात में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मसावात में के किसके बराबर, ये 72 ज़र्ब 8 के बराबर है, ठीक है। तो एक्स ज़र्ब वाई बराबर 72 ज़र्ब 8, ठीक है, 72 ज़र्ब 8। अब हमको प्यारे बच्चों अगर, और यहाँ x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 48, क्या दिया हुआ है, 48 ज़र्ब y बराबर 72 ज़र्ब 8, ठीक है। अब y भी इधर रखेंगे, 48 इधर आकर ज़र्ब में इधर तकसीम हो जाएंगे, 72 ज़र्ब 8 बटे 48। अब इसको काटेंगे, 24 2 48, 24 3 72,
जी आप 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो कितना बचा? 3 × 4, 3 × 4 = 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब रहेगा। वाई की कीमत क्या है? 12 है, ठीक है। वाई की कीमत इतनी है, 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2x + 3y = 5z, cos की कीमत 2, ठीक है। अब इसके बाद हल करने के जो तरीके मेरे बच्चे यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, देखेंगे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ठीक है। समझ में आ रहे? अगर हम इसको मुस्तकस की शक्ल में लेते हैं 2x, ठीक है, फिर 3y, 5z, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, सॉरी 2 का मुरब्बा 4, 4x² + b कीमत कितनी है? बी ये 3y है, तो 3y का मुरब्बा लेंगे तो 9y² + 5z है, तो 25z², ठीक है। अब उसके बाद जमा करेंगे 2ab, ए कितना है? 2 है, 3 × 2 = 6 और 2 × 6 = 2 = 12, ठीक है। तो 12xy + अब इन दोनों की जरूरत करेंगे, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, 30yz + इन दोनों की जरूरत, 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20, 20xz, ठीक है, 20xz। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर 30 और 20 कहां पर आ रहे हैं, तो 30 और 20, ठीक है, 30 और 20 30yz और 20xz, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके बेस पे आपको प्यारे बच्चों इस सवाल को हल करना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। मुत्तसला शक्ल में खत पी मुतवाजी खत क्यू के और खत एल मुतवाजी खत एम के दिए हुए जावियों की पैमाइश से ए और बी की कीमतें बतरतीब कौन सी है? ए बी की कीमत हमको क्या करना है? मालूम करना है। तो पहले गौर करेंगे अगर हम, तो ये जाविया और ये जाविया जो है ये नजीरी जाविया, कौन सा जाविया है? नजीरी जाविया है। और ये जाविया और ये जाविया जो है, सॉरी ये जाविया ये नजीरी जाविया है, ये जाविया और ये जाविया जो है नजीरी जाविया, ठीक है। तो जो बी की कीमत होगी पहले बच्चों वही ए की कीमत भी होगी, ठीक है, वही इसकी कीमत भी होगी, ठीक है, वही जो है इसकी कीमत भी रहेगी। और ये एक दूसरे के मुतकाबिला जावी भी है, ठीक है, कौन सा जावी है? मुतकाबिला जावी है। अगर गौर करें पहले बच्चों हम, जैसे 37x - 7 = 31x + 11, ठीक है। अब गौर करेंगे यहां पर, तो हम ये x को इधर लेकर आएंगे और -7 को इधर लेकर जाएंगे, तो ये 37x - -11 = 7, ठीक है। तो ये ना 37x और 31x कितने माइनस करें तो 6x बचेगा, ठीक है, बराबर 18। x बराबर कितना हो जाएगा? 18/6। एक्स बराबर आ रहा जवाब 3, एक्स के बराबर कितना आ रहा है? जवाब 3 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों इसकी वैल्यू भी जो बी के बराबर ही रहेंगी, ठीक है, देखो ये बी के बराबर है, उसके बाद में ये बी है तो ये भी बी आएगा, ये भी बी के बराबर है, एक दूसरे के मुतकाबला जाविया, मुतकाबला जाविया जो है इनकी पैमाइश जो कैसी रहती है? मसावी रहती है, ठीक है,
ये ए रहेगा तो ये भी ए रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा, ये भी ए रहेगा, समझ में आ रहे। तो इसकी वैल्यू हमको पता चल गई जो 3 आई है। अब इसमें जो है एक्स की वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है पहले रखेंगे 31x जमा 11, ठीक है, ये वाली ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये बी की वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू है और ए की वैल्यू है, ए के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर उसमें 3 है, 31 जरब 3 जमा 11, 31 तीन 93 और 94 और 104, ठीक है, कितनी आ रही है 104, ठीक है। अब पहले बच्चों खत्ती जोड़ी के साबी है, कौन सा साबी है, खत्ती जोड़ी के साबी है, तो 104 जमा ए बराबर 180, ठीक है, तो ए बराबर 180 माइनस 104 बराबर कितना हो जाएगा 76, ठीक है, कितना हो जाएगा 76। तो पहले बच्चों यहाँ पर जो है हमको जो है ए और बी की कीमत जो बराबर रहेगी, ठीक है, इसे ए की कीमत भी 76 आएंगी और बी की कीमत भी कितनी आएगी 76 दर्जे, ठीक है, कितने आएगी 76 दर्जे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 जो है प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, 3x स्क्वायर जमा 27x जमा 54, ठीक है, जमा 54। अब यहाँ पर अब तुम क्या करेंगे, अच्छा अगर भी करेंगे 3 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है, 3 को कॉमन निकाल, 3 कॉमन निकाल लिए, कॉस में बचा जो एक्स स्क्वायर जमा 9x जमा 18, ठीक है, जमा क्या हो गया 18। अब हमको ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल जरूर 18 होगा और मजमू जो 9 होगा, ठीक है, मजमू कितना होगा 9 होगा, 3 कॉस में एक्स जमा 3 और x जमा 6, ठीक है, ये 6 थी 18, इनकी जरूरत कितनी हो रही है 18 हो रही है और इनका मजमू कितना हो रहा है 9 हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे अब यही हमारा जवाब रहेगा, 3 कॉस में x जमा 3 और x जमा 6 कहाँ पर है, x जमा 3 और x जमा 6, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, 10 समझले वाले मुरब्बा के वितर की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, मुरब्बा बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ये 10 सम, ये 10 सम, ये 10 सम, ये 10 सम, ठीक है, और वितर हमको क्या करना है, वितर हमको मालूम करना है, वितर क्या करना है, वितर जो हमको, तो प्यारे बच्चों मुरब्बा का जो वितर होता है, ठीक है, वितर जो है ये जिले का जजर दो होता है, ठीक है, जिले का जजर दो होता है, समझ आ रहे, जिले का जजर दो होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, 10 को जजर के अंदर लेकर जाएंगे तो 100 हो जाएगा, 100 जरब 2 बराबर जजर 200 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, एक्स नफी एक्स एक एक्स बटे एक बटे एक्स बराबर 5, तो 7 कॉस में एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना, ठीक है, यहाँ पर तुम क्या करेंगे, तरफेन का मुरब्बा लेंगे, ठीक है, तरफेन का क्या करेंगे मुरब्बा लेंगे, तो तरफेन का मुरब्बा लेने के बाद क्या बच्चों जो यहाँ पर देखेंगे, एक्स नफी एक बटे एक्स की कुव्वत 2 बराबर 5 की कुव्वत 2, ठीक है, अब इसको हल करें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नफी 2x जरब 1 बटे एक्स जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 25, ठीक है, बराबर क्या हो गया 25 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर जो है ये x और ये x कट जाएगा, ठीक है, ये x और x कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 यहाँ पर जो इधर इधर हम लेकर आएंगे, ये नफी है पहले, इधर अगर क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा,
25 जमा 2। अब पहले बच्चों एक्स स्क्वायर जमा 1/x जो है 7 के बराबर है, ठीक है, ये 7 के बराबर है। देखें तो 7 ज़र्ब एक्स स्क्वायर जमा 1/x² बराबर 27 ज़र्ब 7, ठीक है। तो 27 ज़र्ब 7 करेंगे हम तो 37 49 के 9 असल 4 7 7 14 और 4 18 189, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78, ओ मरकज वाले दायरे में मुरब्बा पी क्यू आर एस हायत किया गया है, ठीक है। जो मरकज दायरा है इसमें जो पी क्यू आर एस हायत किया गया है, यानी दायरे के दायरे पर जो चारों नुकात लिए गए हैं, दायरे का निष्प कुत्र जो है वो 21 सम है। निष्प कुत्र कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना, 21 है, ठीक है। हो तो निशान ज़दा इलाके का रकबा कितना, ठीक है। वैसे निशान ज़दा इलाके का हमको रकबा जो है वो मालूम करना, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों ये 21 समय, तो इसका वितर कितना हो जाएगा, वितर पूरा पूरा जो है वो 42 समय, ये 21 तो कितना हो जाएगा 42 सम, ठीक है। अब मुरब्बे का जिला, मुरब्बे का जिला जो है वो 42 ज़र्ब 2 रहेगा, ठीक है, 42 ज़र्ब 2। अब यहाँ पर निशान ज़दा हिस्से का रकबा मालूम करना है हमको, निशान ज़दा हिस्से का रकबा हमको मालूम करना है। क्या करें हम, दायरे के रकबे में से मुरब्बे का रकबा माइनस कर देंगे, ठीक है। मुरब्बे का रकबा क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो दायरे का रकबा का जब्ता क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस जिला स्क्वायर, ठीक है। मुरब्बे का रकबा का जब्ता क्या है, जिला स्क्वायर, कीमत रखेंगे 22/7। निष्प कुत्र कितना है, निष्प कुत्र 21 है प्यारे बच्चों, तो 21 ज़र्ब 21 ले लेंगे हम, और माइनस आएगा 42/2 की कुवत 2, ठीक है। अब यहाँ सवाल करेंगे हम, तो ये 7, ये 7 के साथ 7 थी 21, ठीक है, तो 22 थी 66 ज़र्ब 21 माइनस, इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 42 को हम 42 ज़र्ब 42 लिख सकते हैं, ठीक है। बटे ज़र्ब 2 का मुरब्बा 2 होता है, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, 2 1 2 2 4 2 1 2 21, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 21 को हम लोग कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा 66 नफी 42, ठीक है, 66 नफी 42, ये 66 नफी बीच में, तो 21 को कॉमन निकाले हमने, ये 21 और ये 21 को कॉमन निकाल लिए, तो 66 नफी 42, तो 66 में से 42 निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 24, तो 21 ज़र्ब 24, अगर इसको ज़र्ब करेंगे हम, 21 ज़र्ब 24, 21 चौक 104 के 4 हासिल 10, 21 दूनी 42 और 10, और 21 चौक 20 चौक 80 84 आएंगे, हासिल का 8 आएगा, 21 दूनी 42 और 8 50, 504 मुरब्बा सम, ठीक है। 504 मुरब्बा सम जो है वो निशान ज़दा इलाके का रकबा रहेगा, ठीक है, निशान ज़दा इलाके का। तो ऑप्शन नंबर 4 प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब रहे, 504 मुरब्बा सम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, जोरावादुल रज़ा बी क्यू आर एस, ये 28 सम जिले वाला मुरब्बा है, ठीक है। अभी 28 सम तो कह रहे थे, ये 14 सम रहेगा। नुकात ए बी सी और डी ए मुरब्बा के जिलों के वस्ती नुकात है, ठीक है, ये कहते हैं बीच का नुकात है, ठीक है, वस्ती नुकात है दरमियान का, ये 28 पूरा, तो ये 14, 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 ठीक है, समझ मारे। अब फिर तो यहाँ देखेंगे, अगर कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, ठीक है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में जो वितर की लंबाई होती है, वितर की लंबाई
ये जजर दो होती है, ठीक है। कितनी होती है? जजर दो होती है, समझ आ रहे? कितनी होती है? जजर दो होती है। अब यहां पर हमको क्या करना है, ये एबीसीडी का रकबा मालूम करना है, ठीक है। तो मुरब्बे का रकबा बराबर जिला स्क्वायर, ठीक है, तो 14 जजर दो का मुरब्बा, ठीक है। अब 14 का मुरब्बा जो 196 है, और जजर दो का मुरब्बा दो है, तो 2 छक्के 12 के, तो हासिल आया है 2 9 18, 1 19 के 9 हासिल आया, 1 2 1 2 और 1 3, 392 मुरब्बा सम, ठीक है, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है, एक हमारा सही जवाब है, ठीक है। एबीसीडी का रकबा कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 392 मुरब्बा सम, समझ में आ रहे? चलिए अभी तरह लेते हैं, ठीक है, जजर दो के बराबर रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक किसान ने 25,000 रुपये का माल दलाल की मार्फत फरोख्त किया। अगर दलाल के बारे में, जो दलाल के, अगर दलाली के जरिए से माल फरोख्त किया जा रहा है, तो दलाल हमको जो दलाली देना पड़ेगी, ठीक है, उसको 3% दलाली देनी पड़ी, तो उस किसान के हाथ कितने रुपए की रकम लगेगी? तो जाहिर सी बात है, अगर 25,000 का 3% निकालेंगे हम, ठीक है, 25,000 का 3%, तो यहाँ पर गौर करेंगे अगर हम, ये सिफर, ये सिफर कट, ये सिफर, ये सिफर, 3 सिफर 3 बार, 3 5 15 के 5 8 लाया, 3 9 6 1 7, 750 रुपये, ठीक है, 750 रुपये ऑप्शन नंबर जो है इसने, सॉरी यहाँ पर उसने इतनी दलाली दी, ठीक है, दलाली कितनी दी? 750 रुपये दी, 25,000 में 750 रुपये दलाली दी। अब क्या करें, 25,000 में से 750 माइनस करेंगे, हमको जवाब मिलेगा 24,250, ठीक है, 24,250 कह रहे बच्चा, हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। फिर हम पूछे किसान के हाथ में कितनी रकम दी, अगर पूछता कि दलाली कितनी दी होंगी, तो हम कह सकते थे 750 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। फी सदी फी साल 10 की शरह से 8,000 रुपये असल जर का 2 साल का मुरक्कब सूद पूछे बारे, ठीक है, क्या पूछा है? मुरक्कब सूद, ठीक है, तो मुरक्कब सूद का फॉर्मूला क्या है? ए बराबर पी कॉस में 1 जमा R/100 कॉस की कुवत एन, ठीक है। पी बोला तो असली नजर 8,000, ठीक है, 1 जमा R बोले तो शरे, ठीक है, और एन बोले तो मुद्दत, मुद्दत कितनी है? 2 है, ठीक है, तो रहेगा 8,000 जरबो, ये 1 जमा 10 11 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मुरब्बा लिए पहले बच्चों, ठीक है, हो जाएगा 11/10 जरब 11/10, सॉरी 100 हो जाए, 100। तो यहां पर पहले बच्चों का हम 10 लेंगे इसको, ठीक है, ये सिफर जो कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 80 जरब 11 जरब 11, इसको हल करेंगे पहले बच्चों, हमको जवाब मिलेगा 9,680, ठीक है। अब हमको जो है सूद मालूम करना है, ठीक है, सूद हमको मालूम करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कुल जर में से, कुल जर में से असल जर माइनस कर देंगे, असल जर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कुल जर कितनी है? कुल जर यहाँ पर 9,680 है, माइनस 8,000, माइनस करेंगे तो फिर हमको जवाब मिलेगा 1,680, ठीक है, कितना मिलेगा जवाब? 1,680 रुपये जो है वो मुरक्कब सूद होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। एक दायरे के मरकज सी और निस्फ कुतर से, एक दायरे का मरकज सी और निस्फ कुतर 17 सम, ठीक है, एक दायरा बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ बनाओ, ठीक है, मरकज क्या सी है और निस्फ कुतर कितना दिया हुआ उसका, निष्प कुत्र जो है वो 17 सम दिया हुआ, ठीक है, निष्प कुत्र 17 सम। उस दायरे के एक कुत्र की लंबाई 30 सम है,
दायरे की वितरित लंबाई कितनी है? 30 समय हो तो दायरे के मरकज से 30 समय हो तो वो वितर दायरे के मरकज से कितने फासले पर, ये हमको मालूम करना है, ये फासला हमको मालूम करना है। ठीक है, इसको हम जाओ पी क्यू आर, ठीक है, ये नाम देते हैं, इसको हम नाम दे देंगे। अब ये 30 है पैर बच्चों, तो जाहिर सी बात है हाँ, दायरे के मरकज से वितर पर खींचा हुआ उमूद वितर की तनसीफ करता है, यानी वितर को दो हिस्सों में तकसीम करता है, तो ये 30 है कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब फिशर वोरस के मसले के रूल हम प्यारे बच्चों मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पी आर का मुरब्बा बराबर पी एम का मुरब्बा जमा एम आर का मुरब्बा। ठीक है, पी आर का मुरब्बा कितना है? 17 है। पीएम कितना है? 15 है। तुमको ये मालूम करना है, एम आर मालूम करना है। ठीक है, ये 15 चलाकर जो है वो 17 का मुरब्बा कितना होता है मेरे बच्चों? 289। ठीक है, 15 का मुरब्बा 225 जमा एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब एम आर स्क्वायर बराबर ये जमा में इधर आकर क्या हो जाएगा? तफरी हो जाए, 289 में से 225 माइनस करेंगे हमको जवाब मिलेगा 64, या एम आर स्क्वायर है तो एम आर बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। फिर उच्च इसके अंदर हम एक शॉर्ट ट्रिक ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक हम जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको फिसागोरस के आदाद सलासा पता है, फिसागोरस के आदाद सलासा पता है, तो हम इसका इतना हल ना करते हुए बच्चों डायरेक्ट जवाब तक पहुंच सकते थे। ठीक है, तो फिसागोरस का आदाद सलासा में 15, 8 और 17 है। ठीक है, ये 15 या 17 तो तीसरा जिला कौन सा था? 8 का था। तो हम डायरेक्ट प्यारे बच्चों इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहे, तो डायरेक्ट जो है हम हल कर सकते थे। सवाल नंबर, अगर 3 की कुव्वत m जमा 1 हो बराबर 108 हो तो m बराबर कितना? ठीक है, m बराबर, तो m हमको क्या करना है? m मालूम करना है। 3 की कुव्वत m जमा 1 बराबर 108। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चे यहां पर जो है 3 की कुव्वत m ज़र्ब 3 बराबर 108। ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चों m जमा 1 का जो फॉर्मूला तो 1/m हो जाता है। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? हमें 3 की कुव्वत m बराबर 1 जमा 3 बराबर 108। ठीक है, 108 या 3 की कुव्वत ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, 3 की कुव्वत m ज़र्ब 4 बराबर 108। अभी ज़र्ब इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो 3 की कुव्वत m बराबर 108/4, 4 × 8 = 28, 27 तो 3 की कुव्वत m बराबर प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? 27 आ रहा है। ठीक है, तो हम m की जगह क्या लेंगे प्यारे बच्चों? ऐसा अगर जो 27 आएगा, तो 3 की कुव्वत अगर हम 3 लेते हैं प्यारे बच्चों, 3 की कुव्वत तो 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 बराबर कितना हो जा रहा है? 27। हम कह सकते थे m जो है m के बराबर, m किसके बराबर है? 3 के बराबर। किसके बराबर है? 3 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, नफी 2/3 की कुव्वत नफी 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ जमा है, थोड़ा प्रिंटिंग सही नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल की पेपर की प्रिंटिंग तो सही नहीं है। फिर 1/2 cos की कुव्वत जो यहाँ पर नफी 1 है। ठीक है, नफी 1, यहाँ नफी 2 है और यहाँ पर नफी 1 है। ठीक है, फिर -cos 1/3 cos की कुव्वत नफी 1। ठीक है बच्चे, यहाँ पर जो अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, तो जैसे m की कुव्वत नफी 2 है, तो हम इसको
एक बटे एम की कुवत लिख सकते हैं, ठीक है, एक बटे एम की कुवत हम इसको लिख सकते हैं कि हो जाएगा नफी तीन बटे दो कॉस की कुवत दो जमा दो बटे एक कॉस की कुवत एक जमा तीन बटे एक, ठीक है। अब यहाँ पर हल करेंगे, तीन का मुरब्बा नौ, दो का मुरब्बा चार जमा दो का मुरब्बा दो की कुवत एक बार बराबर दो हुआ माइनस तीन की कुवत एक बार तीन हुआ, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ गौर करेंगे मेरे बच्चों, अगर हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस होगा, तो ये नौ बटे चार दो में से तीन का तो एक बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा चार। तो नौ माइनस चार बटे चार, ठीक है, तो पांच बटे चार, ठीक है, पांच बटे चार माइनस माइनस प्लस होगा मेरे बच्चे यहाँ पर, तो ये माइनस चार हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है नसब नुमा में नसब नुमा बराबर करने के लिए हम जो है इसको नौ बटे चार करें, ठीक है, नौ नौ तकसीम चार करें बटे चार, तो जाएगा पाँच बटे चार, ठीक है, कितना हो जाएगा पाँच बटे चार, ऑप्शन नंबर चार हमारा सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर चार जो है हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, एक स्थानों में पानी की टंकी कुत्र जो है दो आचार्य 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर हो, तो उस टंकी में कितना लीटर पानी समाएगा, ठीक है, कितना लीटर पानी जो है समाएगा। तो फिर जो हमको उस्तवाने का हजम का जो जाप्ता है देखेंगे, जैसे यहाँ पर जो पुत्र कितना दिया हुआ है, पुत्र डी से जाहिर करते हैं डू, पुत्र जो है दो आचार्य 8 है, तो निष्प पुत्र मेरा जो हो जाएगा उसका आर बराबर 1.4, ठीक है, उसका आधा हो जाएगा, पुत्र का आधा निष्प पुत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ उस्तवाने के हजम का जाप्ता जो है वो है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई की 22/7, आर कितने है 1.14 है, ठीक है, तो 1.14 को हम जो है 14/10 लिख सकते हैं, 14/10 14/10, ठीक है, जर्ब एच, ठीक है, जर्ब हाइट कितनी दी हुई है, हाइट पैर बच्चे यहाँ पर 5 दी हुई है, हाइट कितनी दी यहाँ पर, ऊंचाई जो है 5 दी हुई है। अब इसको हल करेंगे, हम हल करने के बाद देखेंगे 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, ठीक है, 7 × 7 = 7 × 2 = 14, यहाँ पर ये हो जाएगा 2×5 = 5, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, 2×2 = 10, ठीक है, 2 × 2 = 14, यहाँ क्या बच रहा है 22 × 2 = 7, 22×2 = 44, 7 बराबर 7 × 28 के आठ हासिल आए 2, 7 × 28 = 2, 30, 308 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 308 मीटर मकब मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर मकब मीटर में दिया पहले, 308 को हम क्या करेंगे, 308 को जो है 1000 से जरूर देंगे, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लीटर में कन्वर्ट जो है करने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे जरूर देंगे, 308 × 1000 क्या हो जाएगा 1.4 है, बच्चे 1.4 है, ठीक है, 1.4 है।
तीन आशारिया 30 आशारिया 8 आएंगे, ठीक है 30 आशारिया 8 आएंगे। तो एक सिफर इधर कर देंगे मेरे बच्चों और एक सिफर यहाँ बढ़ा देंगे, तो हमारा जवाब जो है 30,800, ठीक है 30,800 ऑप्शन नंबर जो है 3 हमारा सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, जहन में से कौन सी मालूमात की मदद से जोरबादुर अजला बनाया नहीं जा सकता, चार जिले और एक उत्तरी दिए तो मेरे बना लेंगे हम, ठीक है तीन जिले और एक उत्तरी दिया तो उससे भी हम जोरबादुर अजला बना लेंगे, कोई भी दो जिला और तीन जावे दिए हो तो मेरे बच्चों इसके जरिए से हम जो है जोरबादुर अजला नहीं बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तीन जिला और उनमें शामिल जावे दिए गए हो तो इससे भी बना लेंगे, ठीक है। तो अगर जो ऑप्शन नंबर 3 सी जो है सिर्फ हमारा जो है वो नहीं बना सकते हम, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, ठीक है सिर्फ ये इसके बेस पर हम कह रहे हैं जोरबादुर अजला नहीं बना सकते हैं, ठीक है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 इस कसी रुकनी को x माइनस 3 तकसीम करने पर खारिज किस्मत और बाकी जेल में से बितरतीब कौन से हैं, ठीक है तो x माइनस 3 हम तकसीम करेंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, ठीक है सॉल्व करेंगे तो x x का एक x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है और यहाँ बचेगा x स्क्वायर, ठीक है माइनस नफी 4 यहाँ बचेगा 3x, ठीक है 3x बचेगा, अब ये कट हो जाएगा x स्क्वायर x स्क्वायर कट हो जाएगा, साथ में से 3x गया 7x में से तो 4x बचेगा, ठीक है जमा 15, ठीक है अब इसको हल करेंगे तो x माइनस 3 अगर हम हल करेंगे यहाँ पर तो 4x जमा 12, ठीक है माइनस है, ठीक है अब माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, अब ये 4x ये 4x कट जाएगा, 15 में से 12 का 3, ठीक है बाकी कितना आ रहा है 3 आ रहा है और ऊपर जो x माइनस 4 आ रहा है, ठीक है x माइनस 4 यहाँ पर है और बाकी 3 यहाँ पर है, ठीक है यहाँ नफी 3 दे दिए तो गलत हो जाएगा, यहाँ 29 बाकी थे गलत हो जाएगा, जीफर बाकी तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, बाकी कितना आ रहा है बाकी 3 आ रहा है, ठीक है बाकी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, इसके बाद तुम्हारे याद का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये एक तादुदी तकसीमी जदवल में अगर समेशन एक्स एफ आई एक्स आई बराबर 1363 है और एन बराबर 29 हो तो एक्स मियानिया कितना, अगर जो इसका जो जाप्ता है एक्स बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे एन, ठीक है अब इसको अगर हम इसकी कीमत दी हुई 1363/29, ठीक है अगर 29 से इसको तकसीम करें प्यारे बच्चों तो 29 चौक होता है 29 चौक 126, ठीक है 116, ठीक है 29 चौक 116 तो कितना बचा यहाँ पर 20 बचा तो 203 हो जाएगा, अब 29 का पारा कहाँ तक पड़ेगा 203 आएंगे प्यारे बच्चों तो 29 7, ठीक है 29 7 9 63 के 3 असला है 6 7 के 7 7 14 6 20 203 तो 29 7 263, ठीक है तो क्या जवाब आ रहा है 47, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। कम से कम प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको 30 तक के पहाड़े अच्छे से याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है 30 तक पहाड़े अच्छे से याद होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, शक्ल में दी हुई मालूम से मुकम्मल ए बी सी डी का डी ई का एहाता कितना होगा, अब ए बी एहाता किसको कहते हैं बच्चों, ये जो बाउंड्री होती है ना बाउंड्री ये जो मैं बना रहा हूँ ये बाउंड्री इसको मेरे बच्चों एहाता कहते हैं, क्या कहते हैं एहाता, हमको एहाता मालूम करना है। अब यहाँ पर गौर करेंगे हम ये जो ये कायमतुज़ाविया जो है कायमतुज़ाविया मुसल्लस है, ठीक है कायमतुज़ाविया मुसल्लस है, हम फीसा बोरस के आधार सलासा की बेस पे प्यारे बच्चों हम जो है इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, तो 35
और 12, ठीक है। ये फीसागोरस के आधा सलास है, ये 35 है, 12 से कितना रहेंगे, 37 रहेंगे, ठीक है। अभी मुसलस ये दिया हुआ, देखो ये वाला मुसलस, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर फीसागोरस से आधा चला कितने मेरे बच्चे, यहाँ पर 9, 12, 15। अरे ये भी आपको याद करके रखना है, फीसागोरस के आधा सलास। तो इसकी लंबाई कितनी आ जा रही है, 9 आ जा रही है। अब ये मुसलस लेंगे, ठीक है, ये वाला मुसलस लेंगे, ठीक है, ये 15, 17, ठीक है। तो 15, 8, 17, ये फीसा वर्ष का आधा से सलास है, ठीक है। इसकी पेमेंट कितनी हो जा रही है, 8 हो जा रही है। हम आसानी से तो यहाँ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब 35 जमा 17 जमा 8 जमा 9 जमा 37 जमा करेंगे, ठीक है। 15, 8, 25 हो जाएगा, 25 में 35 मिलाएंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में 69, 9 मिला 69, 69 और 37, 9, 7, 16 के 86 लाया, 1, 1, 6, 7 और 3, 10, 106, ठीक है। 106 मीटर प्यारे बच्चों जो है इसका आता है ऑप्शन नंबर जो हमारा सही जवाब, ठीक है, नंबर दो जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, 90। पीतल इस मखलूत में तांबे और जस्त का तनासुब 13 और 7 हो तो 1.2 किलोग्राम वजनी पीतल के बर्तन में जस्त कितने ग्राम होगा, ठीक है। तो हमको जस्त मालूम करना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तांबा कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और जस्त कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 13x जमा 7x बराबर, अभी किलोग्राम में दिया गया जो, और हमको जो ग्राम पूछा गया, ठीक है, हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हो जाएगा 12,000 हो गया मैंने, 20x बराबर 1200 x बराबर 1200 बटे 20, इसी पर कर, 2 का 2, 2 6 12 60, एक्स बराबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और जस्ट हमको कितना पूछा, जस्ट मालूम कर रहे हैं, जस्ट 7 के बराबर है, तो 7 ज़र्ब 6 बराबर 7 6 42 420, ठीक है, 420 ग्राम। जस्ट कितना रहेगा मेरे बच्चों, उसमें 420 ग्राम रहेगा, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब है। अगर तांबा पूछे तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर 13 ज़र्ब 60 करते, ठीक है, तो 13 0 0 13 6 78 780 रहता, तांबा कितना रहेगा, 780 ग्राम, ठीक है। तो पहले बच्चों यहाँ पहुंचकर जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का जो सवालिया पर्चा है मैथ सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स का, हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब आइंदा जो है नए क्वेश्चन पेपर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।